रमेश भाई। अध्यक्ष महोदय, काफी लंबे समय से चर्चा के लिए यह प्रस्ताव सदन में रखा गया था। आज बहुत खुशी की बात है कि इस गंभीर मामले की चर्चा इस सत्र के आखिरी दिन हो रही है। माननीय सदस्य योगी जी ने इस बीमारी के बारे में कई बार इस सदन में मामला उठाए और उन्होंने काफी चिंता जाहिर की, लेकिन सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया इतना निराशाजनक है कि 1973 से हमारे देश में यह बीमारी आई और 4 नवंबर 2011 को मंत्रिमंडल बैठे, 38 साल में नवंबर और दिसंबर में 4 बैठकें हुई, लेकिन इन 38 सालों में सरकार को कोई चिंता नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी के कारण इलाज के अभाव में बच्चे मर रहे हैं। बच्चे की मौत जवाब में जो कारण बताया गया है कि पेयजल, स्वच्छता और कुपोषण, हम लगातार अब नारा दे रहे हैं कि हो रहा भारत का निर्माण, हम भारत निर्माण की बात करते हैं, लेकिन आज भी हम पीने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुपोषण के शिकार अभी भी बढ़ रहे हैं। यह बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, पहले तो ये पश्चिम बंगाल में प्रारंभ हुआ, आज पूरे देश में फैल रहा है, अब यहां तक झारखंड के से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का इलाका, जसपुर और रायगढ़, यहां भी फैल चुका है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पहले हमारे देश में बीमारियों की इलाज होती थी, आयुर्वेद के माध्यम से होता था, नाड़ी वैद्य आते थे, वो नाड़ी छूकर बताते थे कि इसको काहे की बीमारी है और नाड़ी वैद्य उसका इलाज करता था। लेकिन आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है आपको क्या बीमारी है, अब मरीज अपनी बीमारी बताता है तब डॉक्टर इलाज करता है। ये जो फर्क हो रहा है कि हमारे इलाज में जो कमी हो रही है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि सारे बीमारी का जड़ मच्छर है। सिर्फ यह मस्तिष्क के बुखार नहीं, मच्छर से कई बीमारियां फैलती है, चाहे वो हाथी पांव की बीमारी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कई बीमारियां सिर्फ मच्छर के कारण हो रहा है। तो हम मच्छर का उन्मूलन के लिए अभियान क्यों नहीं चलाते? 40 साल की सरकार ने मच्छर नहीं मार पाई। अब बस हो गया, ये सब क्या हो रहा है? नथिंग की गोल रिकॉर्ड, नथिंग की गोल रिकॉर्ड। और आप अपना प्रश्न पूछिए। मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है इसको राज्य का मामला न मानते हुए इसको राष्ट्रीय समस्या मानकर जिस प्रदेश में यह बीमारी फैल रही है उसको तुरंत रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद।